पिछले 10 साल अन्याय काल। मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में ना सिर्फ आम इंसान का जीवन मुश्किल कर दिया बल्कि लोकतंत्र का गला घोटने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जहां एक तरफ बेतहाशा बेरोजगारी युवाओं के सपनों को चकनाचूर कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ कमर तोड़ महंगाई गरीबों और मध्यम वर्ग का जीवन बेहद मुश्किल बना रही है। आज जहां देश में किसानों को उनकी मेहनत का मोल नहीं मिल रहा तो वहीं मजदूर अपना खून पसीना जलाकर भी परिवार का पेट नहीं भर पा रहे हैं। बेटियां अपने सम्मान और सुरक्षा के लिए सड़कों पर बैठी हैं। तानाशाह सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने को मजबूर है। कुछ चुनिंदा धन कुबेर सारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपने फायदे के लिए कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और गरीबों के साथ भेदभाव और अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने पर सरकारी एजेंसियों द्वारा डराया धमकाया जाता है। संसद में सवाल पूछने पर सस्पेंड कर दिया जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि मोदी सरकार नहीं चाहती कि देश की जनता उनका सच जाने, उनसे जरूरी मुद्दों पर सवाल पूछे। लेकिन अब जनता जाग चुकी है, अपने अधिकारों की बात कर रही है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रही है, न्याय का हक मांग रही है। हम जनता की ये लड़ाई जनता के साथ आगे ले जा रहे हैं। हम डरने वाले नहीं हैं, थमने वाले नहीं हैं। अन्याय के खिलाफ न्याय की ये लड़ाई जारी रहेगी, न्याय का हक मिलने तक।